हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप मल्टीपल वीडियोस को बैच में रेंडर कर सकते हैं इन प्रीमियर प्रो, एंड दिस विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम, जैसा कि मैं हमेशा से करता आ रहा हूं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। तो मेरे कुछ लास्ट वीडियोस में आपका बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला है मुझे, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और इसी तरह से मैं वीडियो एडिटिंग और फिल्म मेकिंग से रिलेटेड कंटेंट लेके आता रहूँगा इन फ्यूचर, और मैं ट्राई भी करूँगा कि मैं और ज़्यादा कंसिस्टेंट रह सकूँ अपने इस चैनल पे। तो विदाउट एनी फर्दर रिड्यू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो बैच में रेंडर करने के लिए आपको एडोब का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि है एडोब मीडिया एनकोडर। तो एडोब की वेबसाइट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और मैंने पहले से ही डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रखा हुआ है। उसके बाद हम प्रीमियर प्रो को ओपन करेंगे। तो पहले से ही मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसमें मल्टीपल वीडियोस हैं, और इन वीडियोस को मैं आपको बैच में रेंडर करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं जो अपना प्रोजेक्ट है उसे ओपन कर लेता हूँ। तो इस प्रोजेक्ट फाइल में चार वीडियोस के वेरिएशन हैं, और मैं आपको पहले एक वीडियो को रेंडर करके दिखाता हूँ। तो अभी जो वीडियो है वो रेंडर हो रही है, और एक वीडियो को रेंडर होने में कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और वाइल डूइंग रेंडर मैं कोई काम नहीं कर सकता, तो जब तक रेंडर हो नहीं जाता तब तक मुझे वेट करना पड़ेगा। और इसीलिए हम इन वीडियोस को बैच में रेंडर करते हैं टाइम को सेव करने के लिए। तो इन वीडियोस को एक एक रेंडर करने के लिए 5-5 मिनट का टाइम लगेगा, तो टोटल जो टाइम होगा 20 से 25 मिनट लगेगा ओनली रेंडर, और वो भी हमें बीच बीच में गैप लेना पड़ेगा। तो उसकी जगह मैं ऐसा करूँगा कि इन चारों वीडियोस को एक साथ एडिट कर लूँगा, और उसके बाद बैच में एक साथ रेंडर लगा दूंगा। तो इससे ये होगा कि जो वीडियोस हैं एक साथ रेंडर हो जाएंगी, और रेंडरिंग होते टाइम हम काम भी कर सकते हैं इन प्रीमियर प्रो। तो अभी ये जो चारों वीडियोस हैं हम इसको एक साथ बैच में रेंडर करेंगे। तो बैच में रेंडर करने के लिए हम फर्स्ट वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, लोकेशन सिलेक्ट करके नेम देंगे सेम, और उसके बाद हम क्यू पर क्लिक करेंगे। जब भी हम क्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद एडोब मीडिया एनकोडर ओपन होगा, और जो हमने वीडियो रेंडर पे लगाई है वो शो हो जाएगी। और इसी तरह से हम बाकी की जो वीडियोस हैं उसे भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं चारों वीडियोस यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं, और हम रेंडर पे क्लिक करेंगे तो वन बाय वन जो सारी वीडियोस हैं वो रेंडर हो जाएंगी। और जब रेंडर हो रहा है उस टाइम पर हम प्रीमियर प्रो ओपन करके अगर कोई प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। पर नॉर्मली मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि जो प्रीमियर प्रो है वो प्रोसेसर यूज़ करने लग जाता है, और जो रेंडर स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो जब भी मल्टीपल वीडियोस होती हैं मेरे पास तो मैं उन्हें बैच में रेंडर करता हूँ। फिर मेरे पास ये एडवांटेज होता है कि मुझे 30 मिनट या 40 मिनट का ब्रेक मिल जाता है, और जो सारी वीडियोस हैं एक साथ रेंडर हो जाती है। और बैच में रेंडर करने से जो आपका एडिटिंग का फ्लो है वो भी ख़राब नहीं होता। जैसे कि मैंने एक वीडियो एडिट की और उसको 5 मिनट तक रेंडर किया, तो वो जो ब्रेक होता है उससे जो एडिटिंग का फ्लो है कभी कभी ख़राब हो जाता है, या जो मन है दिमाग है भटक जाता है। पर इसमें आप मल्टीपल वीडियोस पे एक साथ काम कर सकते हैं, तो इस तरह से आप मल्टीपल वीडियोस को बैच में रेंडर कर सकते हैं इन प्रीमियर प्रो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। नीचे आप कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय द वे, जो सेटअप है वो कैसा लग रहा है वो भी आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसी के साथ मिलता मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय।